मैं YouTube से हर महीने कितना कमाता हूँ आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी हमारे जैसे YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा। अब मोनेटाइज करवाने के लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो आपको कम्प्लीट करने हैं, कौन कौन से आपको स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या चीज़ आपको YouTube पर करना है, क्या चीज़ आपको YouTube पर नहीं करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस कैटेगरी का चैनल बनाना है। अगर आपको टेक्निकल से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है तो आप टेक से रिलेटेड आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो। जैसे कि अभी आप जो देख रहे हो हमारा वीडियो वो टेक से रिलेटेड ही है। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग चैनल बना रहे हैं क्योंकि ब्लॉगिंग चैनल भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। आप ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 50,000 वाला या फिर 20,000 वाला कैमरा होना चाहिए। अगर आपका एक मोबाइल फ़ोन है 10-12 हज़ार रुपये का तो उसी कैमरे से ही आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपना टेक का चैनल स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो मेरा जो वीडियो देख रहे हो वो मैंने मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास हाई प्रोफेशनल वाला कैमरा ही होना चाहिए। आप एक चैनल बना लीजिए अगर आपको ब्लॉगिंग करने का शौक़ है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो चैनल हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। बस आपको अपने क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस वक्त जो वीडियो पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। किसी भी कैटेगरी के चैनल पे आप देख लीजिए, चाहे टेक्निकल कैटेगरी के ऊपर देख लीजिए, कॉमेडी वाले चैनल पर देख लीजिए या फिर आप ब्लॉगिंग वाले चैनल पर देख लीजिए, आप जितना अच्छा बनाने की कोशिश करोगे आपका चैनल उतना ज़्यादा चलेगा, उतना ज़्यादा ग्रो होगा, आपके यूट्यूब वीडियो में उतना ज़्यादा व्यूज आएंगे। यानी कि आपको अगर ब्लॉगिंग करने का शौक है तो कुछ हटके आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने होंगे, उस तरह का आपको वीडियो बनाना होगा जो लोग आपके वीडियो को पसंद करें। जब आपके यूट्यूब वीडियो को लोग पसंद करेंगे तब आपके यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और आपके वीडियो को लाइक करेंगे। जब तक कि आपके वीडियो में वो दम नहीं होगा, जो लोग दिखा रहे वही चीज़ आप बिल्कुल रिपीट करते जा रहे हो, तो ऐसे में लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे और उनका जो ऑडियंस जो रिटेंशन है वो नहीं बढ़ेगा, तो जिससे आपके वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, अच्छे कॉन्टेंट के ऊपर ध्यान देना है। आपको सबसे पहले सब्सक्राइबर्स के पीछे और व्यूज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक वीडियो अपलोड कर दिए उसके बाद में व्यूज़ देखते हैं, फिर सब्सक्राइब देखते हैं और वीडियो में कितना लाइक आया वो चीज़ देखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है। जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए, उतना आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कीजिए। जितने आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जो भी आप लोकेशन दिखा रहे हो अच्छी सी होनी चाहिए, लोगों को पसंद आनी चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसके लिए उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या चीज़ बोल रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अपने यूट्यूब चैनल पर मिक्स कंटेंट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करने हैं। यानी कि आज अपने ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया, कल टेक्निकल से रिलेटेड, परसों आपने कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मिक्स कंटेंट आपका चैनल नहीं होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो सिर्फ टेक्निकल के ही वीडियो होने चाहिए। कॉमेडी से रिलेटेड अगर आपका चैनल है तो कॉमेडी वाले ही वीडियो होने चाहिए। अगर आपका ब्लॉगिंग करने का शौक है, ब्लॉगिंग का रिलेटेड अगर आपने चैनल बनाया, तो आपको सारे के सारे वीडियो जो हैं आपको ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करने होंगे। आप वीडियो अपलोड करते रहिए, जब आपके यूट्यूब चैनल पर 1,000 सब्सक्राइब और 4,000 घंटों का वॉच टाइम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यूट्यूब टीम आपके चैनल का रिव्यू करेगी। तो रिव्यू करने के बाद में आप वहां से अप्लाई जब करोगे वहां से रिव्यू करेगी, उसके बाद में रिव्यू करने के बाद में आपका वहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको एक्सेप्ट करने होंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको गूगल एडसेंस पे वो डायरेक्ट भेज देगा, वहां से आपको अपना एक गूगल एडसेंस जो अकाउंट है उसी समय आपको बनाना होगा। बनाने के बाद में रिव्यू में जाएगा लगभग 2 दिन 4 दिन या 5 दिन चैनल आपका चलेगा रिव्यू में। उसके बाद में आपकी जो सारी चीज़ें प्रोसेस में रहेंगी उसके बाद में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दिया जाता है। मोनेटाइज करने के बाद में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि मोनेटाइज जब आपका हो जाए या मोनेटाइज होने के पहले उस वक्त आपका कोई भी वीडियो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल अपलोड नहीं होना चाहिए, आपका खुद का वीडियो ही अपलोड होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद में आपको गूगल एडसेंस में जाना है और वहाँ पर आपको अपना जो भी पैन कार्ड है वो आपको डाल करके वेरीफाई करना होगा। UX टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है उसको आपको सबमिट करनी होगी और जो आपने एड्रेस डाला है उस पर आपको एक गूगल एडसेंस की तरफ से पिन आता है,
छः डिजिट का वो आपको डालना होता है, वेरीफाई करना होता है, और उसके बाद में आपके जो गूगल एडसेंस में आपको अपना जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको ऐड करना होगा। और उसके बाद में 20 और 30 तारीख के बीच में जब आपके गूगल एडसेंस में जब $100 यानी कि $100 के ऊपर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा भेज देता है, यानी कि हर महीने की 20 और 30 तारीख के बीच में आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगा करेगा। आपको कोई भी वहाँ पे बार बार आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे अपने पैसे की बात करें कि यानी कि हम इस वक्त पैसा कितना कमा रहे हैं, हमारे हर महीने की कमाई कितनी है, तो हर महीने अभी मैं नहीं कमा रहा हूँ। मेरी जो पैसा है वो लगभग 4 मंथ के बाद में आता है, यानी कि हर चौथे मंथ में आ जाता है लगभग 20 और 30 तारीख के बीच में, क्योंकि अभी इस वक्त मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और अभी फ़िलहाल व्यूज़ कमा रहे हैं, व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, और जिस वक्त हमारे चैनल पर व्यूज़ ज़्यादा आने लग जाएगा तो हर महीने का मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। 20,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा और 1,00,000 रुपया हर महीने भी आएगा। यानी कि अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल है तो उस पर जो भी पैसा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि उस पर ऐड काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो उस पर लगभग $4,000-5,000 पे $1 आता है, लेकिन जो टेक्निकल होते हैं उसमें कोई ऐसे वीडियो जाते हैं जो $1,000 भी, उस पर लगभग $4-5 आते हैं। तो इस तरीके से जब आपका यूट्यूब चैनल मोटा हो जाएगा उसके बाद में आप अपने यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो।